ये कुछ पास्ट पेपर्स हैं या कह सकते हैं इंटरनेशनली करंट अफेयर्स हैं 2021 के मार्च में, मार्च के करंट अफेयर्स हैं। इनको रीड आउट कर लेते हैं। पेंटागन चीफ लॉयड ऑस्टन मीट्स गनी इन अन अनाउंस्ड विजिट टू काबुल ऑन, ये चार ऑप्शंस हैं, इनमें एक वाला राइट है, वो है मार्च 21, 2021, ये राइट आंसर है। विच यूरोपियन कंट्री हैज़ वोटेड इन फेवर ऑफ बैनिंग फुल फेशियल्स कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस। फुल फेशियल कवरिंग्स जो है ना पब्लिक प्लेसेस पे, किस यूरोपियन कंट्री ने कहा था इस फेवर, इसके बैनिंग में फेवर दी थी, वो है स्विट्जरलैंड। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड इट्स 14th 5-year प्लान 2021 to 2025, वो है चाइना। चाइना ने अपना 5-year प्लान जो है वो कैंसिल कर दिया है, अप्रूव कर दिया, सॉरी। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे इज़ मार्क्ड ईच ईयर ऑन, डाउन सिंड्रोम एक बीमारी है, उसका जो वर्ल्ड डे है वो मनाया जाता है 21 मार्च, डी ऑप्शन है। रिसेंटली विच कंट्री हैज़ वॉज अ वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल फॉर द थर्ड स्टेट ईयर इन 2020, डेट वॉज न्यू दिल्ली, इंडिया में है। समिया सुलुहु हसन हैज़ बीन स्वॉर्न इन एज प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, समिया सुलुहु हसन जो है वो तंजानिया की प्रेजिडेंट है। एन एनुअल यूएन स्पॉन्सर्ड रिपोर्ट सेड ऑन मार्च 19, 2021 विच कंट्री इन द वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री, वो कौन सी कंट्री है? फिनलैंड, ये ऑप्शन ऑलरेडी आ चुका है, रिसेंटली भी एक था उसमें, अब तो ये मार्च 19 में हुआ ना, उससे पहले भी एक हुआ है, उसमें फिनलैंड ही आंसर था उसका। हु इज़ द करंट एंड फर्स्ट फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ तंजानिया? समिया सुलुहु हसन जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट है, रिसेंटली भी एक एमसीक्यू होने पड़ा। रशिया इज़ होस्टिंग अ डैश राउंड ऑफ अफगान पीस डायलॉग फ्रॉम 18 मार्च इन मस्को, रशिया ने एक हो 18 मार्च में मस्को में एक जो है ना होस्ट किया है डायलॉग, वो कौन सा है? सेकेंड, सेकेंड राइट आंसर है इसका। तंजानियन प्रेसिडेंट जॉन मैगुफुली डाइड ऑन 17 मार्च 1921 को, तंजानिया का प्रेसिडेंट की डेथ हुई है, और 18 मार्च को जो वहाँ की प्रेसिडेंट है वो इलेक्ट हुई है। रिसेंटली यूएस जापान वॉन विच कंट्री ऑन कोरियन डेस्टिबिलाइजिंग बिहेवियर, कौन सी कंट्रीज ने कोरियन डेस्टिबिलाइजिंग बिहेवियर की वॉन किया? यूएस जापान ने, चाइना को उन्होंने वॉन किया था, यूएस और जापान ने चाइना को वॉन किया था। रिसेंटली विच कंट्रीज इनॉग्रेटेड अ न्यू अंडरग्राउंड फैसिलिटी डेजिग्नेटेड फॉर मिसाइल स्टोरेज, कौन सी कंट्री है जो इनॉग्रेट किया है अंडरग्राउंड फैसिलिटी मिसाइल स्टोरेज के लिए? वो है ईरान। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया इज बींग ऑब्जर्व ऑन, इस्लामोफोबिया के बारे में जो डे सेलिब्रेट होता है वो कौन सा होता है? 15 मार्च। कोसोवो सेड ऑन इट हैड ऑफिशियली ओपन इट्स एम्बेसी इन जर्नलिज्म, वो है 14 मार्च 2021, कोसोवो ने 14 मार्च 2021 में बोला था। रिसेंटली तुर्की एंड विच कंट्री होल्ड इट्स फर्स्ट डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट सिंस 2013, उन्होंने उसके बाद 2013 के बाद कौन सी कंट्री है जिसने तुर्की के साथ अपना फर्स्ट डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट किया? दैट वॉज इजिप्ट। इसराइल, हु बिकेम द फर्स्ट अफगानिस्तान प्लेयर टू स्मैश अ टेस्ट डबल 100, दैट इज हशमतुल्ला शाहिदी, डी आंसर है। इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीड IAI सेड ऑन मार्च 11, 2021 इट वुड जॉइंटली डेवलप एन एडवांस्ड ड्रोन डिफेंस सिस्टम विद UAE के साथ, इन्होंने AIA ने जो ना वो किया है एडवांस ड्रोन डिफेंस सिस्टम। रिसेंटली इन विच कंट्री फेशियल रिकॉग्निशन पेमेंट सिस्टम लॉन्च्ड, रशिया में फेशियल रिकॉग्निशन पेमेंट सिस्टम लॉन्च हुआ है कि आप फेस, अपने फेस की पिक, जैसे मोबाइल लॉक था, फेस लॉक था, वो कर सकते थे, अब फेस मेथड आ गया है पेमेंट करने का।
when Libyan lawmakers approved interim government in key step towards election. लिबियन लेमाक ने कब इम्प्रूव अप्रूव किया था इलेक्शंस के लिए? 10 मार्च 2021 में. विच इज़ द थीम ऑफ वर्ल्ड किडनी डे? वर्ल्ड किडनी डे का थीम क्या था? लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़. बी आंसर है लिविंग वेल विद किडनी डिजीज़, कि आप किडनी डिजीज़ के साथ सेहतमंद रहें. वर्ल्ड किडनी डे इज़ बींग ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च. मार्च का सेकेंड थर्सडे किसी भी डेट को आ जाए वो वर्ल्ड किडनी डे के तौर पर ऑब्जर्व होगा. ब्रिटेन एंड विच कंट्री ऑन मार्च 9, 2021 साइंड अ डील टू रिटर्न $4.2 million रिकवर्ड फ्रॉम अ फॉर्मर गवर्नर? ब्रिटेन के साथ वो कौन सी कंट्री थी जिसने फॉर्मर गवर्नर से कुछ पैसे रिकवर करने थे? वो है नाइजीरिया. रिसेंटली द यूनाइटेड स्टेट हैज़ प्रिवेंटेड टर्की फ्रॉम सप्लाइंग 30 लोकल मेड अटैक हेलीकॉप्टर्स टू किस कंट्री थी जो इसने सप्लाई किए थे 30 लोकल मेड अटैक हेलीकॉप्टर्स? किस कंट्री को किए थे? दैट वाज पाकिस्तान. रिसेंटली विच कंट्री गेट इट्स फर्स्ट ट्रांसजेंडर न्यूज़ एंकर ऑन वुमेन डे? वुमेन डे पे किस कंट्री ने एक न्यूज़ एंकर रखी थी जो कि ट्रांसजेंडर थी? दैट वाज बांग्लादेश. राइट आंसर इसका बांग्लादेश ने रखी थी. रिसेंटली यू एस एंड विच कंट्री एग्री ऑन न्यू कॉस्ट शेयरिंग डील फॉर ट्रूप्स? यू एस ने और साउथ कोरिया ने एक कॉस्ट शेयरिंग डील की है ट्रूप्स के लिए. रिसेंटली मलाला यूसुफजई हैज पार्टनर्ड विद टू प्रोड्यूस ड्रामाज डॉक्यूमेंट्रीज. किस जो वेबसाइट है इसके साथ मलाला यूसुफजई ने पार्टनरशिप की है? दैट वॉज एप्पल. When US Senate voted to approve $1.9 trillion Biden COVID rescue plan, 6 मार्च 2021 को US ने जो है ना सेनेट को वोट किया है कि $1.9 trillion जो है ना वो COVID rescue plan के लिए अप्रूव किए जाएँ. Which country has launched the satellite Arctic M? वो है रशिया. रशिया ने जो है ना वो ये किया है, लॉन्च किया है. विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ मल्टी नेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग? कौन सी कंट्री है जिसका मल्टी नेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग है? दैट वॉज UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड द क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021? दैट वॉज जर्मन वॉच. ये रिसेंटली क्लाइमेक्स रिस्क इंडेक्स हुआ है कि हवा चली है, लिप्स ड्राई हो रहे हैं, नोज में से ब्लीडिंग हो रही है, स्किन ड्राई हो रही है, तो ये रिसेंटली हुआ है. और ये जर्मन वॉच ने जो है ना वो नोटिस किया था और उन्होंने रिलीज़ की थी बात. US प्रेसिडेंट जो बाइडन हैज़ इंडक्टेड अ थर्ड पाकिस्तानी अमेरिकन इन टू हिज टीम नेम्ड दिलावर सईद. थर्ड पाकिस्तानी अमेरिकन थे जो कि इन्होंने इंडक्ट किया था. Recently, Facebook blocked Dash user from sharing and viewing news content on its popular social media platform. एक कंट्री थी उसकी जो न्यूज़ की जो सारी शेयरिंग्स थी, व्यूविंग थी, उन्होंने ब्लॉक कर दी थी फेसबुक ने. वो था ऑस्ट्रेलियन. ऑस्ट्रेलियन का सारी न्यूज़, सारे जो ब्लॉगर्स थे वो सारे ब्लॉक कर दिए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से. Which country has formally rejoined the Paris Climate Agreement recently? कौन सी कंट्री थी जिसने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो है ना वो ज्वाइन किया था, रीज्वाइन किया था इनफैक्ट? दैट वाज यूएसए. विच कंट्री इज द लार्जेस्ट फंडर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO का जो सबसे बड़ा फाउंडर है, सबसे ज़्यादा डोनेशंस देने वाला, वो कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स, US. As per the 10th edition of Huron Global Rich List 2021, which country has the highest number of billionaires? कौन सी कंट्री है जिसमें सबसे ज़्यादा billionaires हैं? That was China. Which is the theme of World Hearing Day 2021? World Hearing Day 2021 की थीम क्या थी? Hearing Care for All.
According to Forbes magazine, who is currently the world most powerful person in 2021? Xi Jinping जो थे वो सबसे ज़्यादा powerful person थे 2021 में. Who is the current first lady of United States? United States की जो current first lady हैं वो कौन सी थी? Jill Biden. जो बाइडन की आई थिंक बीवी है या बेटी है. वॉट इज़ द नेम ऑफ 66 ईयर ओल्ड मैन हु बिकम वर्ल्ड ओल्डेस्ट राइस मिल स्विमर? वो कौन थे जिन्होंने वर्ल्ड ओल्डेस्ट राइस मिल स्विमर बनाई थी? डेट वॉज गैर पुरसन. विच कंट्री इज़ द चेयर फॉर द G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स FMCBG मीटिंग ऑन 2021? कौन सी कंट्री थी जो चेयर यानी कि मीटिंग कंडक्ट करती थी? डेट वॉज इटली. डी आंसर है. India's private airline Indigo made an emergency landing on 2 March 2021 in which country? Emergency air landing किसने India ने करवाई थी private airline की? That was Pakistan. Pakistan में India ने करवाई थी 2 March को. Who is the first UAE envoy to Israel? Muhammad Al Khaja. Israel said on vaccinate Palestine with permits. Palestinians की जो वैक्सीनेशन है वो करवाएं, इसराइल ने कहा था. Recently US House approved Biden's $1.9 trillion COVID-19 relief package. Biden's ने 1.9 trillion COVID-19 relief package का जो है अप्रूव किया था. Recently who has been elected as new party leader of Scottish Labour Party? कौन इलेक्टेड लीडर था स्कॉटिश लेबर पार्टी का? अनस सर्वर. सी आंसर है अनस सर्वर. द इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? मार्च 1 को इंटरनेशनल वेस्ट पिकर्स डे ऑब्जर्व्ड होता है. इंडियाज फर्स्ट अंडर सी टनल इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच सिटी? मुंबई में फर्स्ट अंडर सी टनल जो है ना वो कंस्ट्रक्ट हुआ है. A historic painting created over 17,000 years ago by Aboriginal artist has been identified in which country? ऑस्ट्रेलिया में एक हिस्टोरिकल पेंटिंग जो थी वो क्रिएटेड हुई थी 17,000 साल पहले और वो अब जो है ना वो आइडेंटिफाई हुई है और वो ऑस्ट्रेलिया में आइडेंटिफाई हुई है. ये करंट अफेयर्स के MCQs से डेली स्केड्यूल शेयर कर चुके हैं हम अपने पेज पे भी और ग्रुप्स में भी. तो डेली अब जो क्लास हुआ करेगी उसका टाइम भी नोट कर लीजिएगा और उसके अलावा उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी. डेसिशन इंशाल्लाह 6 वीक क्लासेस के बाद होगा.